आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होगा यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। नमस्कार, स्वागत आप सबका टीवी बार 24 के अंदर। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी बार 24 का डेली शो द खास खबर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होगा यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आखिरकार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्यों, क्यों ये लगातार विवादों का मुद्दा बना हुआ है। पिछले 75 सालों से इसके ऊपर राजनीति के अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा है। लोगों को धर्म के नाम पर अलग और डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। अब आप में से कई लोग जो इसका विरोध कर रहे होंगे, आप लोगों को पता ही नहीं होगा आखिरकार यूसीसी है क्या, एक्चुअली में है क्या। आप पर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आप ये समझते हो कि अच्छा हमारे तो अधिकारों का हनन हो रहा है। कई सारे इसमें लेफ्ट विंग, मोस्टली मैं कहूँगा लेफ्ट विंग लोग इसे इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं जैसे ये मुसलमानों के या फिर सिखों के या फिर और जातियाँ जो हिंदू धर्म से हट के है उन सब के अधिकारों को छीनने का काम करती है। दरअसल ऐसा है नहीं, ये सब लोगों को समान अधिकार देने का काम करती है। अब क्यों इसके लोग पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, इसके ऊपर की राजनीति, इसकी हिस्ट्री, इन सब के बारे में जानेंगे। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार यूसीसी है क्या। यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर मैं हिंदी में बात करूं, समान नागरिक संहिता। कहने का मतलब ये होता है कि इंडिया के अंदर रहने वाले हर एक शख्स को जो कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर रहता है उन सब के ऊपर कानून समान तरीके से लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ, काज, कार्य, नास्तिक, आस्तिक, अच्छा बुरा, काला गोरा, पतला मोटा, कैसा भी हो। अगर मैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बात करूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ क्या है तो वो भी सुन लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज आइडेंटिफाइड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इट स्टेट्स दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सिक्योर फॉर द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहने का मतलब वही होता है जो मैंने आपसे पहले कहा था कि इंडिया के अंदर रहने वाले हर एक शख्स के ऊपर समान कानून लगेगा और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, मजबूरी नहीं, ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि उनके ऊपर समान नियम कायदे कानून लगाएं। अब बात करते हैं लोग इसके विरोध में क्यों हैं। कई सारे लेफ्ट विंग और कम्युनिस्ट लोग और जेएनयू काइंड ऑफ पीपल ये सोचते हैं कि यूसीसी उनके अधिकारों का हनन करता है, लेकिन ऐसा असलियत में है नहीं। अब ये आइडियोलॉजी शुरू कहाँ से होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार यूसीसी तो अभी अभी आई है, ताज़ा ताज़ा, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। जिनको पता भी होगा वो बोलेंगे 1946 के अंदर आई थी जब डॉक्टर बीआर अंबेडकर साहब और साथ में कुछ मुस्लिम पक्ष इसके ऊपर विचार कर रहे थे तो बाबा साहब ने ये कहा था कि इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए और सबके ऊपर समान तरीके से करना चाहिए, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, गोद लेने से रिलेटेड हो, उत्तराधिकारी चुनने से रिलेटेड हो या फिर तलाक देने से रिलेटेड हो। बस इसी 4-5 मुद्दों के ऊपर मुस्लिम पक्ष और सिख पंथ आकर इससे भिड़ जाते हैं कि भाई ये हमारे अधिकारों का हनन है। दरअसल ऐसा है नहीं, यह नियम 1840 से लागू हो चुका है। अब जो लोग इसके पक्ष में हैं और जो इसके विपक्ष में हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक अध्यादेश पारित किया जिसमें सब लोगों को एक लेटर दिया गया कि आप लोग अपने विचार बताइए कि किस प्रकार से यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो उनके विचारों के लिए एक लेटर हेड जारी किया गया। अब उसमें से कई सारी संस्थाओं ने अपने जवाब दिए हैं, उस जवाब के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में, जो कि मुस्लिमों का एक लॉ बोर्ड है। ये तय करता है कि तलाक कैसे होता है, उत्तराधिकारी कैसे चुना जाता है या फिर गोद कैसे लिया जाता है और तलाक कैसे दिया जाता है, शादी कैसे होती है, इन सब के बारे में। तो इन्होंने कहा है यूसीसी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इनका कहने का मतलब है कि जो संविधान की जो आत्मा है ये उसके विरुद्ध में है यूसीसी। दरअसल ऐसा है नहीं। आगे बात करूँ जमाते उलमाए हिंद के बारे में, तो वो बोलते हैं यूसीसी इनजस्टिस फॉर मुस्लिम्स, कि यूसीसी है वो मुस्लिमों के साथ में अत्याचार है या फिर अन्याय है। अब ये है या नहीं है इसके बारे में भी बात करेंगे। आगे मैं बात करता हूँ SGPC के बारे में, यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। उन्होंने कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड सेंटर बिड टू द मेक हिंदू राष्ट्र। मतलब ये गवर्नमेंट की एक चाल है पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। उसके बाद में RSS का जवाब भी सुन लेते। तो RSS ने कहा पीपल ऑफ द वन नेशन शुड लिव अंडर ए वन कॉमन लॉ। कहने का मतलब है पूरे इंडिया को एक समान नियम कायदे कानून के नीचे रहना चाहिए। अब ये तो हो गई बड़ी बड़ी संस्थाओं के जवाब। अभी हाल ही में पूरे जवाब नहीं आए हैं, ये सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट है इन सब के बारे में। जवाब आएगा 30 जून को, तब हम इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी।
वहीं अगर मैं बात करूं कि कौन इसके सपोर्ट में है और कौन इसके अगेंस्ट में, तो सबसे पहले बात करते हैं जो लोग इसके सपोर्ट में हैं वो क्या बोल रहे हैं। तो जो सपोर्ट में, वो ये बोल रहे हैं कि इसमें महिलाओं को भी समान अधिकार मिलेगा, चाहे वो तलाक देने का हो, चाहे गोद लेने का हो, चाहे शादी करने का हो, चाहे जो नॉर्मली पुरुषों को जो अधिकार मिलते हैं उनसे रिलेटेड। दूसरा इसमें यह है कि लोगों का ये कहना है कि अगर सबको समान अधिकार मिलेगा तो सबको समान तरीके से ग्रो होने का, यानी जिंदगी में आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। उसके अलावा भी कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग इससे डर रहे हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 हमें हमारे धर्म और पंथ को मानने का अधिकार देता है, उसके प्रचार करने का भी अधिकार देता है, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं बनाया जा सकता धर्म को लेकर। इसके आगे आता है जेंडर सेंसिटिविटी, इसका मतलब ये होता है कि आप चाहे गे हो, लेस्बियन हो, कुछ भी हो, आप किसी भी जेंडर से रिलेटेड करते हो, आप सब लोगों को समान अधिकार मिलेंगे जो कि और लोगों को मिलते हैं। अब इसमें जो मोस्टली जो पक्ष इसमें विरोध में है वो है मुस्लिम पक्ष। अब क्यों है उसके बारे में बात करते हैं, तो उनके द्वारा कुछ बयान सामने आए हैं कि डिफरेंट टू द इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू डिजर्व पर्सनल लॉ, मतलब जो उनके खुद के पर्सनल लॉ है ये उनसे अलग हैं। सीधी सी बात है, ये बिल्कुल उनसे अलग है, क्योंकि वहाँ पर चार शादियों का भी अलाउ होता है प्लस 3 तलाक देने का एक प्रोसीजर होता है, लेकिन नॉर्मली फ़ोन पर भी आप किसी को तलाक दे सकते हैं। अब मैंने इतना ही सुना है, कन्फर्म क्या न्यूज़ है मुझे इसके बारे में नहीं पता। आगे बात करते हैं, तो ये कई सारी उनकी जो रिलीजन आइडियोलॉजी है, जो उनकी आइडेंटिटी है रिलीजियस तरीके से, उनका हनन करता है, उन्हें छीनने की कोशिश करता है। लास्ट में उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट किसी भी प्रकार के कानून बनाकर हमारे पंथ के अंदर या हमारे धर्म के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। ये नॉर्मली जो इसके अगेंस्ट में है उनके बारे में ये सारे बयान दिए गए हैं। अब ये वही लोग हैं जो CAA जब कानून लगता है तो उसके अंदर ये कहते हैं कि हम सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जब बात आती है UCC की तो कहते हैं कि आप हमारे धर्म के अंदर उंगली नहीं लगा सकते। या मैं पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की बात नहीं करता हूँ, और भी कई सारी कम्युनिटीज़ हैं जो इसका विरोध कर रही हैं। अब विरोध करने के कारण आप समझ गए होंगे, या फिर नहीं समझे तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि क्यों लोग इसके विरोध में हैं। अब विरोध में है क्यों, उससे रिलेटेड हम कुछ केसेस के बारे में भी बात करेंगे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो लोगों का नॉर्मल विरोध में होने का कारण ये है, क्योंकि देखिए मुस्लिम में हो या फिर सिख में हो या फिर और भी कई सारे धर्म पंथ हो, उन सब में शादी से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उत्तराधिकारी चुनने से रिलेटेड सब के अंदर फ़र्क होता है। अब गवर्नमेंट चाहती है इन सब को एक नियम के अंदर ला दिया जाए। अब सपोज करिए कि एक हिंदू एक से ज़्यादा शादी करता है तो उसे जेल जाना पड़ सकता है एज पर आर्टिकल 1956 और 1955 और 1954। वहीं बात करूं मुस्लिमों के बारे में, तो अगर वो 2 से ज़्यादा शादियां करते हैं या 1 से ज़्यादा शादी करते हैं तो उन्हें जेल नहीं होती है, क्योंकि उनके ऊपर लागू होता है मुस्लिम लॉ बोर्ड, उसके अंदर वो 1 से ज़्यादा शादियां कर सकते हैं। अगर मैं नॉर्मली यहां बात करूं कम्युनिटीज़ की, तो आज तक मैं जितने मुसलमानों से मिला हूं, मैंने आज तक एक भी शख्स की 2 बीवियां नहीं देखी है। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी पहली बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी की है और वो तलाक बड़ी आसानी से हो गया उनका। ये सिचुएशन मैंने खुद ने देखी है, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पर 50% हिंदू और 50% मुसलमान है, और हमारा अच्छा खासा रिलेशन होता है उनके साथ में, तो मुझे ये पता है कि इन सब की सिचुएशन कैसे काम करती है। लेकिन 2 बीवी वाला शख्स मैंने आज तक नहीं देखा अपनी पूरी लाइफ में। अगर हम हिंदुओं की बात करें तो उनमें भी तो कई सारे 2 बीवियों के जो एक पति होता है, एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है अरमान मलिक, उसकी 2 बीवियाँ हैं। वो तो भाई साहब तो तीसरे की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई एक्शन भी तो नहीं लिया ना इसके ऊपर, क्योंकि वो दोनों महिलाएं राजी है उस एक शख्स के साथ रहने में, तो क्यों ही एक्शन लेगी। अगर मुस्लिमों की बात करें तो इसी बात को लेकर उनके बीच में विवाद है कि अगर एक शख्स 1 से ज़्यादा 2 औरतों से साथ शादी करता है तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है, उसका धर्म उसको इजाज़त देता है इस सब चीज़ों की, और सरकार इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। वहीं गोद लेने की बात करूँ तो मुस्लिमों में गोद लेने जैसे कोई चीज़ें होती नहीं हैं। आप गोद ले नहीं सकते किसी को, हाँ आप उसे रख सकते हो, खिला पिला सकते हो, उसकी शादी करवा सकते हो, लेकिन वो आपका किसी भी तरीके से बेटा या बेटी नहीं माना जा सकता एज पर मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनका खुद का मुस्लिम लॉ बोर्ड होता है उसके हिसाब से। इन सब चीज़ों को लेकर ये सारे इशू उठते हैं। दरअसल अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो जैसे एक शख्स के साथ में एक महिला रह सकती है या एक महिला के साथ में एक पुरुष रह सकता है, दोनों मिलके 1 से ज़्यादा नहीं रख सकते, इस पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। वहीं बात करूँ अगर मैं 21वीं बेंच की बात करूँ, 21वां सत्र जो बैठा था 2018 के अंदर, जिसको हटा दिया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी हाल फिलहाल इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं किसी भी तरीके से फिल्टर में नहीं रखना चाहता, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी ज़रूरत नहीं है 2018 के हिसाब से। लेकिन अब जो कमेटी बैठने वाली है
उनके हिसाब से वो दोबारा इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे और इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 44 साफ साफ कहता है कि आपको यूसीसी आज नहीं तो कल इम्प्लीमेंट करनी ही होगी। ये ज़रूरी है, ये कर्तव्य है, ड्यूटी है ये उनकी। अब बात करते हैं कि क्यों यूसीसी की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पर कुछ केसेस के उदाहरण दूंगा। ये उदाहरण मोस्टली मैं कोर्ट की दलीलें पढ़ के ही दूंगा, तो आप लोग समझ पाएंगे कि आखिरकार उस केस में हुआ क्या था। तो एक बहुत ही फेमस केस है 1985 का, शाह बानू का केस, आप सब लोगों ने ज़रूर सुना होगा। मोहम्मद अहमद खान और शाह बानू आपस में रिलेशनशिप में थे। 40 साल की उम्र में शाह बानू को तलाक दे दिया गया फ़ोन पर उनके पति के द्वारा। तलाक देने के बाद में वो कोर्ट में चली गई। उन्होंने आर्टिकल 125 के तहत जो जमीन का रखरखाव है उसके रिलेटेड एक केस दाहिर किया। उस केस के दाहिर होने के बाद में गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हुआ। बाद में ये केस चला। केस चलने के बाद में हमारे जो अभी के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है वो ही उस बेंच के अंदर बैठे थे। उन्होंने ये फैसला दिया था कि अहमद खान को उनकी पत्नी को आधा हिस्सा देना होगा, या फिर उनको जो उनका देखभाल करने का जो पैसा होता है वो देना होगा। कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया, लेकिन हमारे उस टाइम के राजीव गांधी जी सरकार ने इस केस को पलट दिया, इस फैसले को ही पलट दिया पार्लियामेंट के अंदर। और सिर्फ 3 महीने तक का जो उनका राशन पानी होता है उसका खर्चा देने की बात हुई थी, और उसके बाद में उन्हें वक्फ बोर्ड और जो उनका मुस्लिम लॉ बोर्ड होता है उनके तहत डाल दिया कि भाई अब से इनका जो भी खर्चा पानी होगा वो आप देखेंगे अपने हिसाब से। ये हुआ था शाह बानो का पूरा केस। तो इसके अंदर पूरी तरीके से इनजस्टिस हुआ था उनके साथ में, ये हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद एक और केस आता है, सरला मुद्रल केस। अब इसके अंदर आर्टिकल 44 के तहत ही पूरा मामला दर्ज किया गया था। अब इसके अंदर एक महिला होती है, उनका पति दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाता है और पहली बीवी को तलाक नहीं देता। कन्वर्ट होने के बाद में वो दूसरी शादी भी कर लेता है, लेकिन उसके बाद में होता है कोर्ट केस। कोर्ट केस होने के बाद में ये मामला काफ़ी ज़्यादा उछाल मारता है, और आपने इनके ऊपर कई सारे ऐसे केसेस भी सुने होंगे, जैसे सावधान इंडिया काइंड ऑफ ऐसे एपिसोड भी बने जिसके अंदर रिलीजन चेंज कर लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर्सनल लॉ का आर्टिकल 44 का पूरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा था। आर्टिकल 55 का उल्लंघन था, आर्टिकल 56 का उल्लंघन था। इस उल्लंघन के बाद में धारा 494 आर्टिकल के हिसाब से इसको दोषी करार दिया गया उस शख्स को, और सज़ा सुनाई गई, क्योंकि आप आर्टिकल 44 का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक शख्स को दूसरी भी लड़की से शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, अब वहाँ पर तो फ्रीडम मिलती है लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मिलती फ्रीडम। यही सेम चीज़ यानी आर्टिकल 44 है वो सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू इन कम्युनिटीज़ के ऊपर लागू होता है। अब हम एक और केस की बात करते हैं, जॉन वोल्टमटन बनाम भारत संघ माला केस। अब इस केस के अंदर 1997 के अंदर एक जो चर्च के पादरी थे जॉन वोल्टमन, उनके द्वारा एक केस दाहिर किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उन्होंने ये कहा था कि 118 से भी ज़्यादा ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी चर्च को दान देने की बात की थी। अब चर्च को वो दान नहीं दे सकते थे एज पर आर्टिकल 44। इसके बाद में ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला और इसका फैसला दिया था वीवी खरे ने, और वीवी खरे ने ये फैसला देते हुए इस अनुच्छेद को रद्द कर दिया था। कहने का मतलब है कि जो ईसाई लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को चर्च में दान दे सकते हैं। अब ये भी उल्लंघन ही हुआ एक टाइप से। गवर्नमेंट को बाद में एक अध्यादेश दिया गया सरकार कोर्ट की तरफ से कि आपको इस कानून को जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा, वरना और भी ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है ही यही कि आप एक धर्म को ऊपर सारे कानून नहीं लगाते हैं जो बाकी के धर्म के ऊपर लगते हैं। इसी चीज़ को लेकर यूसीसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष बोलता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, और जो हिंदू पक्ष बोलते हैं और पक्ष बोलते हैं कि अगर हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होता है तो भैया इनके ऊपर क्यों नहीं हो रहा है इम्प्लीमेंट। वहीं बात करूं मैं एक अभी के ताज़ा केस के बारे में, तो जो 2014 के अंदर हुआ था जुवेनाइल जस्टिस के बारे में, एक्ट के बारे में, तो इसे कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष की एक कोई शख्स था जिसने एक लड़के को गोद में लिया था। गोद लेने का मतलब है उसका किसी आश्रम से उसको गोद लिया था। गोद लेने के बाद में उसे उस बच्चे की कस्टडी नहीं मिली एज पर पेरेंट्स के हिसाब से, क्योंकि मुस्लिम लॉ बोर्ड अलाउ ही नहीं करता है। तो गवर्नमेंट ने इस फैसले को, जो कोर्ट था उसने इस फैसले को पलट कर उस शख्स को उस बच्चे की कस्टडी दे दी एज पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत। अब ये एक्ट भी काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम पक्ष के विरोध में था, विरोध हुआ भी था इसका, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने इसका सपोर्ट नहीं किया था, उस कोर्ट ने जो फैसला सुनाया गया था उसे मान लिया गया था। और भी कई सारे ऐसे केसेस हैं, अगर मैं आपको डिटेल पढ़नी होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल डाल दूंगा, आप जाकर इनसे रिलेटेड सारे केसों के बारे में पढ़ सकते हैं। इस केस को पढ़ने के बाद में
आपको ये पता चलेगा क्या वाकई में यूसीसी इंप्लीमेंट होनी भी चाहिए या फिर होनी नहीं चाहिए। अब इस आर्टिकल के क्या फायदे और क्या नुकसान है, इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं। आपके सामने जो फ्रेम आएगी आपको उसे एक सेकंड के लिए पॉज करके पूरा पढ़ लीजिए और आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। अब यूसीसी के ऊपर जो भी फैसला आएगा वो आपको जल्द ही हमारे टीवी चैनल पर देखने को जरूर मिल जाएगा और वाद विवाद तो होंगे इसके ऊपर। तो आप देखते रहिए टीवी बार 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपुरोहित, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में।